हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रेप आप सभी का प्रेप पे स्वागत है फ्रेंड्स दिस इज लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट ऑफ आवर क्रेश कोर्स प्रोग्राम एंड आज के इस सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट अर्बन लोकल बॉडीज अर्बन लोकल गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर फिल्म एग्जामिनेशन देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी अपील होगी आप सभी से कि अगर आपको हमारा ये फ्री इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल प्रेपाइस को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को लाइक करो शेयर करो फॉरवर्ड करो और आपका यही सपोर्ट आपका यही प्यार हमें मोटिवेट करेगा और अच्छा करने के लिए ओके अब आते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पे दैट इज़ अर्बन लोकल गवर्नमेंट देखिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट इसका मतलब क्या है इसका मतलब है गवर्नेंस ऑफ अर्बन एरिया बाय पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो दैट इज अर्बन लोकल गवर्नमेंट अब देखिए जिस तरह से हमने देखा था कि बाय सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है किसको पंचायती राज को उसी तरह से बाय सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है अर्बन लोकल बॉडीज को ओके तो दोनों में काफी कुछ चीजें सिमिलर हैं तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे ओके ऑलरेडी हम कर चुके हैं अब देखिए जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो एट टाइप्स की होती हैं इंडिया में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपैलिटी नोटिफाइड एरिया कमिटी टाउन एरिया कमिटी कैंटोनमेंट बोर्ड टाउनशिप पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पज एजेंसी और इन सब पे ही जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी देखिए है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये तो स्टेट लिस्ट का आइटम है बट देखो यहां पे यहां पे एट द सेंट्रल लेवल द सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डेल्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब हम बात करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड्स की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जब हम बात करते हैं यूटीज की तो ये चीज ध्यान रखना इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाय अमेंडमेंट एक्ट इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और इसका मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं पिछले वाले लेक्चर में ओके okay? अब देखो हम लोग क्या करेंगे तो देखिए बॉडीज हैं ये जो है, इनका जो ओरिजिन है इंडिया में वो हमें ब्रिटिश रूल में देखने को मिलता है तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है तो इवोल्यूशन की बात करते हैं देखिए 1688 फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप एट मद्रास इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद 1726 में बॉम्बे एंड कलकत्ता में सेटअप किया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं नगर निगम नगर परिषद ये आपने सुना होगा ठीक है तो हम बात कर रहे हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट की ठीक है न लॉर्ड मेयोज रिजोल्यूशन ऑफ एटीन सेवेंटी ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन विजुअलाइज द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा एक और क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और उनका 1882 रिजोल्यूशन उसको कहा जाता है मैग्ना काटा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अब देखो मैग्ना काटा क्या होता है यह आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कहां पे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में ओके इसके बाद देखिए 1907 में द रॉयल कमीशन ऑन डिसन उसको अपॉइंट किया गया था एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन उसमें यह एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था ये क्या होता है ये ऑलरेडी हम देख चुके जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसमें हमने इसको देखा था ओके एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव उसमें ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट था मींस स्टेट लिस्ट आइटम था आज भी हमें यही देखने को मिलता है सो so, ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड है अर्बन बॉडीज के इवोल्यूशन का ओके okay? अब हम जो है बात करेंगे 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 की कि इसमें क्या प्रोविजनस है क्या फीचर्स हैं तो भाई एक नया पार्ट ऐड किया गया पार्ट 9A वहां पे क्या था पार्ट 9 द म्युनिसिपैलिटीज आर्टिकल नंबर 243P से लेके टू फोर्टी थ्री जेड जी तो यहां तक आर्टिकल्स एड किए गए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओके एक ट्वेल्थ शेड्यूल एड किया गया वहां पर इलेवन था यहां पर ट्वेल्थ शेड्यूल एड किया और इसमें एटीन फंक्शनल आइटम थे वहां पर कितने थे ट्वेंटी नाइन यहां पर एटीन फंक्शनल आइटम थे जिसपे आप काम कर सकते हो आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डब्ल्यू ये सब ना प्रम्स वाले क्वेश्चन है ठीक है मेंस में ये आपसे कोई नहीं पूछेगा ठीक है बट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल uh, है कितने आइटम है कौन सा शेड्यूल है ओके सो दिस एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्यूनिसिपैलिटीज अब देखो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज की तो हमने वहां पे क्या देखा था कि थ्री टीयर होते हैं यहां पे देखते हैं क्या सिस्टम है देखिए हर स्टेट में थ्री टाइप्स की म्यूनिसपैलिटीज होंगी कौन कौन सी नगर पंचायत तो बेसिकली जो ट्रांजिशन एरिया होगा मीन्स रूरल टू अर्बन तो इसके लिए होंगी नगर पंचायत तेन स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए होंगी म्यूनिसिपल काउंसिल एंड अगर कोई लार्ज एरिया है उसके लिए होंगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो थ्री टाइप्स की म्युनिसिपैलिटीज होंगी हर स्टेट में नगर पंचायत म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अब देखिए यहां पे एक एक्सेप्शन है इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब देखो किसी अर्बन एरिया में अगर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इंडस्ट्रियल मान लो कोई इंडस्ट्री वहां म्युनिसपल लगी हुई है जो उस एरिया में म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नर में स्पेसिफाई दैट एरिया टू बी एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप ठीक है तो उस केस में म्युनिसिपैलिटी में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड और ये क्या होती है हम पढ़ेंगे आगे ठीक है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं आई होप दिस इज क्लियर तो ये एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ओके okay? अब देखो ये अर्बन एरिया स्मॉल कौन सा होगा लार्ज कौन सा होगा कौन डिसाइड करेगा बेसिकली गवर्नर हैज़ टू स्पेसिफाई ट्रांजिशनल एरिया स्मॉलर अर्बन एरिया और लार्जर अर्बन एरिया और किन फैक्टर्स के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि ये ट्रांजिशनल एरिया है स्मॉलर अर्बन एरिया है या एक लार्जर अर्बन एरिया है तो पॉपुलेशन देखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखोगे देन वहां पे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ये भी देखा जाएगा देन परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ठीक है नॉन एग्रीकल्चर मीन्स जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड एनी अदर फैक्टर एज ही मे डीम फिट तो बेसिकली गवर्नर को स्पेसिफाई करना है कि जो एरिया है वो कौन सा होगा ट्रांजिशनल स्मॉलर या फिर अर्बन एरिया लार्जर साइज का होगा ओके okay? तो गवर्नर को स्पेसिफाई करना है अब बात करते हैं कंपोजिशन की देखिए ऑल द मेंबर्स ऑफ अ म्युनिसिपैलिटीज शेल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल ऑफ म्यूनिसिपल एरिया तो भाई जो म्यूनिसिपल एरिया है वहां पे जो लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को ओके okay? और इलेक्शन होंगे तो जो एरिया है म्यूनिसिपल एरिया उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिटुएंसी में डिवाइड किया जाएगा ओके okay? जैसे मान लो ये एक एरिया है इसको डिवाइड कर दिया तो ये क्या है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसी इसको क्या कहा जा रहा है वार्ड तो यहां से वार्ड मेंबर हम लोग चुनते हैं वार्ड से ओके स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज तो ये स्टेट असेंबली को प्रोवाइड करना है कि, कि किस तरह से चेयरमैन का इलेक्शन होगा ये यहां पे नहीं बताया गया है ओके सो दिस इज क्लियर ना तो जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी को बोला जाएगा वार्ड और जो चेयरमैन है जो चेयरपर्सन है उसके इलेक्शन का मैनर प्रोसीजर स्टेट असेंबली डिसाइड करेगी ओके okay? अब देखो इट मे ऑल्सो मीन्स कंपल्सरी नहीं है वॉलंटरी है इट मे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग पर्सन तो भाई जो एम एल होते हैं उनको भी आप शामिल कर सकते हो तो भाई पर्सनस हैविंग स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आप इनका भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो म्यूनिसिपैलिटी में बट इनके पास राइट टू वोट नहीं होगा इन द मीटिंग्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इसके अलावा वो जो म्यूनिसिपल एरिया है ठीक है तो वहां पे जो लोकसभा के मेंबर्स होंगे स्टेट असेंबली के मेंबर होंगे आप उनको शामिल कर सकते हो ठीक है राज्यसभा या जो स्टेट काउंसिल है रजिस्टर्ड एज इलेक्टर्स ओके विद इन द म्युनिसिपल एरिया ये इंपॉर्टेंट है रजिस्टर्ड एज इलेक्टर विद इन द म्युनिसिपल एरिया आप उनको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो एंड द चेयरपर्सन ऑफ कमिटीज वार्ड कमिटी ये क्या होती है हम देखेंगे थोड़ी देर में तो इनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है देखिए ये सब फैक्चुअल चीजें हैं आपको याद ही करना होगा ठीक है मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है है ना किस पे क्वेश्चन बन सकते हैं ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वार्ड कमिटीज इनको देख लेते हैं वार्ड कमिटीज देखिए जो वार्ड कमिटीज हैं वो वन और मोर वार्ड्स के लिए बनाई जा सकती है विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ थ्री लैख और मोर तो भाई तीन लाख से ज्यादा अगर पॉपुलेशन है तो उस केस में एक या एक से ज्यादा वार्ड को लेके आप वार्ड कमिटी बना सकते हो ओके ये प्रोविजन दिया हुआ है तो ये जो थ्री लाख पॉपुलेशन है ना थ्री लाख जो पॉपुलेशन है ये आपको याद होनी चाहिए ओके इसके अलावा इसका कंपोजिशन वगैरह क्या होगा यह सब कौन डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड ठीक है टेरिटोरियल एरिया ऑफ़ वार्ड ओके सब स्टेट असेंबली डिसाइड करेगी ओके इनके अलावा भी दूसरी कमिटीज बनाई जा सकती हैं स्टेट असेंबलीज अलाउड टू मेक एनी प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कमिटीज ओके देखो कमिटीज का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है आप उसको ब्रॉडन कर सकते हो ठीक है द चेयरपर्सन ऑफ सच कमिटीज मे बी मेड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसपैलिटीज तो बेसिकली काफ़ी कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं एंड जो स्टेट असेंबली है बेसिकली उसको डिसाइड करना है कि क्या प्रोविजंस होंगे क्या कंपोजिशन होने वाला है ओके आगे बढ़ते हैं अब बात आती है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में तो हमने वहाँ पे भी देखा था आ, कि एस सी एस टी वुमेन के लिए था रिजर्वेशन बट बैकवर्ड के लिए वॉलंटरी था यहां पे देख लेते हैं देखिए फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो एस सी एस टी पॉपुलेशन के लिए इन एवरी म्यूनिसिपैलिटी इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन ओके सीट्स रिजर्व होंगी एंड एटलीस्ट वन थर्ड जो सीट्स होंगी वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू एस सी एस टी ओके तो यहां पर भी एस सी एस टी एंड वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व है बट देखो यह केवल मेंबर्स के लिए है है ना जहां तक बात है चेयरपर्सन इन द म्युनिसपैलिटी फ्रॉम एस सी एस टी कम्युनिटी वुमेन की तरफ से तो ये स्टेट असेंबली डिसाइड करेगी मे प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द म्युनिसिपैलिटी तो यह प्रोविजन वहां पर नहीं था तो ये जो अलग से प्रोविजन होते हैं ना इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके देन फॉर बैकवर्ड क्लास स्टेट असेंबली में मेक एनी प्रोविजन तो अगेन ये वॉलंटरी प्रोविजन होने वाला है फॉर बैकवर्ड क्लासेस ओके अब देखो इसके बाद ड्यूरेशन सेम प्रोविजन है जो हमने वहां पर देखे थे फाइव ईयर्स का रहेगा ठीक है एंड प्री मेच्योर रिजोल्यूशन भी हो सकता है अगर हुआ तो जो रिमाइंडर पीरियड होगा उसी के लिए जो नई म्यूनिसपैलिटी है वो काम करेगी ओके okay? तो ड्यूरेशन सेम है अब बात करते हैं एग्जेमटेड एरियाज की तो देखिए ड्यूरेशन हो गया देन फाइनेंस कमीशन इलेक्शन कमीशन वो सब प्रोविजन सेम है तो फिर से रिपीट करने का मतलब नहीं है और देखिए दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू तो शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ओके okay? तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी अब देखो जो डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पे म्यूनिसपैलिटी भी होगी वहां पे पंचायत भी होंगी तो जो डेवलपमेंट प्लान है वो किस तरह से बनाया जाएगा तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है ओके तो देखिए एवरी स्टेट शेल कॉन्स्टिट्यूट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा प्लान प्रिपेयर्ड बाय पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट उसको आपको कंसोलिडेट करना है ठीक है तो पंचायत ने जो प्लान बना के दिया डेवलपमेंट का जो म्यूनिसिपैलिटी है उन्होंने जो प्लान बना के दिया उसको आपको कंसोलिडेट करना है और फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान आपको बनाना होगा तो यह काम होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का ओके अब आप मुझे यह बताओ कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में अब देखो यहां पे जो स्टेट असेंबली है वो प्रोविजंस बना सकती है कि इनका कंपोजिशन क्या होगा इलेक्शंस किस तरह से होंगे क्या फंक्शंस होने वाले हैं ओके चेयरपर्सन का इलेक्शन किस तरह से होगा तो ये सब प्रोविजंस कौन बनाएगा स्टेट असेंबली बना सकती है अब देखो यहां पे ना जो इनका इलेक्शन है वो थोड़ा सा अजीब सा है उसका कंपोजिशन है ना तो देखिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी तो इसके जो फोर्थ फोर फिफ्थ जो मेंबर हैं जैसे मान लो अगर टोटल मेंबर हंड्रेड है तो एटी मेंबर्स ठीक है फोर फिफ्थ मेंबर दे शुड बी इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत तो भाई इनको कौन इलेक्ट elect करेगा इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंग डेमसेल तो ये लोग मिलके ना फोर फिफ्थ मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे ओके okay? अब जो पंचायत है वो कितनों को करेगी जो म्यूनिसिपैलिटी है वो कितनों को करेगी तो भाई ये जो रेशो है ना ये किस रेशो में होगा जो पॉपुलेशन है ठीक है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मेंबर्स इन द कमेटी शुड बी इन प्रपोर्शन टू द रेशो बिटवीन द रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन ठीक है तो उसी रेशो में ये डिवाइड हो जाएगा इन द डिस्ट्रिक्ट तो ये थोड़ा सा आ, कॉम्प्लेक्स है इसको आपको याद करना पड़ेगा ओके okay, तो दिस इज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी एंड चेयरपर्सन ऑफ सच कमेटी शैल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान टू स्टेट गवर्नमेंट तो इस तरह से जो है जो आपकी प्लानिंग है वो होगी पंचायत वाले बनाएंगे म्यूनिसपैलिटी वाले बनाएंगे उनको कंसोलिडेट किया जाएगा और फिर भेजा जाएगा कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास अब होता है मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी तो भाई जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा ये उसके लिए काम करेगी परपज वही है टू प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान अब मुझे आप ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि जो मेट्रो पोलिटन एरिया होगा इसकी मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होती है मिनिमम पॉपुलेशन ये आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन ओके तो पर्पज क्या है वही ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान ठीक है और अगेन यहाँ पे जो स्टेट असेंबली होगी उसके पास पावर होगी टू मेक प्रोविजंस वही सेम चीजें हैं अब देखो इलेक्शन किस तरह से होंगे देख लेते हैं टू थर्ड ऑफ मेंबर्स तो भाई यहाँ पे जो टू थर्ड मेंबर्स हैं ठीक है ठीके? अगर मान लो टोटल नाइन्टी मेंबर्स हैं तो सिक्सटी मेंबर्स का क्या सिस्टम होगा बता दिया गया है शुड बी इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड चेयरपर्सन चेयरपर्सन ऑफ पंचायत तो उस एरिया में जितनी भी पंचायत होंगी उनके चेयरपर्सन ठीक है तो यह लोग मिलकर इलेक्ट करेंगे और इसका प्रपोर्शन क्या होगा अगेन वही पॉपुलेशन वाला फंडा ठीक है रेशियो बिट्वीन द पॉपुलेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत इन दैट मेट्रोपोलिटन एरिया तो दिस इज मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमिटी अब आप मुझे बताओ कि क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमिटी क्या यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल uh, बॉडी है क्या यह आप मुझे बताइए आगे बढ़ते हैं अब देखो बात करेंगे म्यूनिसिपल uh, कॉरपोरेशन की जो एट टाइप हमने देखा था अब उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोविजंस तो हो गए अब देखो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये होती है बिग सिटीज के लिए ठीक है जो बड़ी बड़ी मेट्रोज वगैरह होंगी उनके लिए आपको मिलेगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ठीक है अब देखो यहां पर ये चीज आपको समझनी होगी कि इनको स्टेब्लिश कौन करता है इन स्टेट बाय एक्ट ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर ओके एंड यूटी में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उनका एक्ट होगा जबकि स्टेट में स्टेट असेंबली लॉ बनाएगी ओके यहां पे तीन ऑथोरिटी होती हैं काउंसिल नंबर वन स्टैंडिंग कमिटीज़ नंबर टू एंड कमिश्नर तो काफी लोग आप में से बनोगे म्युनिसिपल कमिश्नर है ना तो ये वही कमिश्नर है अब ये जो काउंसिल है इसका क्या काम होता है डेलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द कॉरपोरेशन ठीक है जस्ट लाइक पार्लियामेंट समझ लो ठीक है सॉरी द काउंसिल इज द डेलिब्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द कॉरपोरेशन ठीक है यहां पे काउंसिलर्स होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल और कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अब देखो जो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल है ये सब कहां पे दिया हुआ है सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट में ठीक है क्योंकि यहां पे एस सी एस टी वुमेन इनके लिए रिजर्वेशन होता है ओके okay? अब देखो काउंसिल को हेड कौन करता है मेयर और उनको असिस्ट करते हैं डेप्यूटी मेयर ठीक है तो ये जो मेयर है इलेक्टेड इन अ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट फॉर वन ईयर रिन्यूएबल टर्म तो एक साल की टर्म आपकी होगी जिसको आप रिन्यू कर सकते हो मेयर की बात यहां पे हो रही है तो काउंसिल का हेड कौन है मेयर है ठीक है बट ये एक ऑर्नामेंटल फिगर होता है इसका मेन काम यही है कि जो मीटिंग्स वगैरह हो रही है काउंसिल की उसको आप प्रिसाइड करिए ठीक है ठीके? तो दिस इज ऑर्नामेंटल फिगर अब जो स्टैंडिंग कमिटी है देखो इतने सारे मेंबर्स हैं तो किस तरह से काम करोगे तो कमिटी बना दो है ना तो कमिटी को फंक्शन दे दो वो अपना देख लेगी ये वही बात है स्टैंडिंग कमिटी आर क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ़ द काउंसिल जो कि साइज में काफ़ी ज्यादा बड़ी है ओके okay? तो पब्लिक वर्क्स हो गया एजुकेशन हो गया हेल्थ टैक्सेशन एटसेट्रा तो इनसे इन, इन फील्ड में वो डील करती हैं एंड डिसीजंस भी लेती हैं ऑल राइट सो दिस इज स्टैंडिंग कमेटी इसके अलावा जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है उसका काम क्या होगा कि जो भी डिसीजन लिया गया है उसको आपको इंप्लीमेंट करना है उसको एग्जीक्यूट आपको करना है ठीक है तो जनरली जनरली जो आई होते हैं उनको यहां पे अपॉइंट किया जाता है ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सीईओ ऑफ कॉरपोरेशन अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट एंड जनरली अ अम्बर ऑफ आई होते हैं तो आप में से काफी लोग बनोगे ओके okay? तो ये हो गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिमिलर लाइन पे म्यूनिसिपैलिटी होती है ठीक है तो नगर निगम नगर परिषद की यहां पे बात हो रही है ठीक है म्यूनिसिपैलिटी नगर परिषद है ना तो बेसिकली जो टाउन्स होते हैं स्मॉलर सिटीज होती हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको बनाया जाता है ठीक है अब कौन बनाएगा कंसर्न स्टेट असेंबली और इन केस ऑफ यूटी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वो इनको स्टेब्लिश करती है सेटअप करती है ठीक है अब अलग अलग इनके नाम है ठीक है काउंसिल यहां पे भी आपको मिलेगी स्टैंडिंग कमेटी यहां पे भी आपको मिलेंगी एंड सीईओ ये भी आपको यहाँ पे मिलेंगे बट थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे आ, जो काउंसिल है ठीक है बेसिकली वो क्या है डेलीबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ओके तो यहाँ पे काउंसिलर्स होंगे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ओके इसके अलावा देखिए दिस काउंसिल इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट और चेयरमैन जो कि काफी पावरफुल होते हैं जबकि वहां पे क्या था ऑर्नामेंटल फिगर थे लेकिन यहां पे काफी पावर इनके पास होती है असिस्टेड बाय वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन एंड जो काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं उनको प्रिसाइड करने का इनका काम होता है ठीक है सो ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल एंड इज द प्राइवर्ट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है आगे बढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रिसाइडिंग ओवर मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ही ऑल्सो इंजॉय एग्जीक्यूटिव पावर इसीलिए काफी पावरफुल इनको माना जाता है जो स्टैंडिंग कमेटी है उनका सेम फंक्शन यहां पे होगा एंड जो सीईओ है जो चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर है बेसिकली अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ठीक है अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट तो ये हो गया म्यूनिसिपैलिटी अगला आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी तो भाई नोटिफाइड तो आपको नोटिफाई किया जा रहा है तो भाई ऐसे एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको क्रिएट किया जाता है जो कि काफी फास्ट डेवलपमेंट जिनमें देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ओके एंड अ टाउन विच डज नॉट येट फुलफिल ऑल द कंडीशन बट अदरवाइज इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट तो ये दो सिचुएशन है जहां पे ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है या अभी कंडीशंस आप फुलफिल नहीं कर रहे हो बट बहुत इंपॉर्टेंट है इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट तो वहां पे नोटिफाइड एरिया कमेटी होगी ठीक है तो इस्टेब्लिश बाय नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट इस वजह से नोटिफाइड एरिया कमेटी इसको कहा जाता है राइट अब इट फंक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट ठीक है एंड ओनली दोज प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाई टू इट विच आर नोटिफाइड इन द गैजेट बाई विच इट इज क्रिएटेड तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं तो जो स्टेट एक्ट है ना म्यूनिस्पल एक्ट उसी के फ्रेमवर्क में काम करेंगे एंड वही प्रोविजन जिनको नोटिफाई किया गया है ओके बट इट मे ऑल्सो बी इंटरेस्टेड टू एक्सरसाइज पावर अंडर एनी अदर एक्ट तो यह क्वेश्चन बन गया फिलेम्स का कि ओनली स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट नहीं भाई दूसरे एक्ट से भी पावर इनको दी जा सकती है ओके okay? देन पावर्स आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एंड टू दो म्यूनिस्पैलिटीज अब ये इंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी होती है तो एन से नोटिफाइड एन से नॉमिनेटेड ठीक है तो ऑल द मेंबर्स ऑफ नोटिफाइड एरिया कमिटी दे आर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द चेयरमैन तो ये एक यूनिक फीचर है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इट इज नीदर एंड इलेक्टेड बॉडी नॉर अ स्टेचुटरी बॉडी यह चीज ध्यान रखना इनी सब पे क्वेश्चंस आते हैं इन फिलिम्स एग्जामिनेशन अब अगला आता है टाउन एरिया कमिटी तो जो स्मॉल टाउन होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टाउन एरिया कमिटी की जाती है ठीक है इट इज अ सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी इंटरेस्टेड विद लिमिटेड नंबर ऑफ सिविक फंक्शंस, लाइक ड्रेनेज सिस्टम हो गया रोड्स वगैरह हो गए एंड इट इज क्रिएटेड बाय सेपरेट एक्ट ऑफ स्टेट असेंबली ठीक है इनका कंपोजिशन क्या होगा फंक्शंस क्या होंगे ये सब इस एक्ट में दिए होते हैं ठीक है अब देखो मे बी होली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर किस तरह से कंपोजिशन बताया गया है ठीक है तो कुछ भी हो सकता है तो दिस इज टाउन एरिया कमिटी अब बात करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड की छावनी इसको बोलते हैं हिंदी में तो बेसिकली ये वो एरिया होता है जहां पे जो मिलिट्री ट्रूप्स होते हैं वो परमानेंटली स्टेशन होते हैं ठीक है ठीके? तो स्टेब्लिश फॉर म्यूनिस्पल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरिया तो छावनी क्षेत्र में जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड बनाया जाता है एंड इट इज सेटअप अंडर कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है तो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है इसलिए हमने कहा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके कंट्रोल में होगा अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है पार्टली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका टर्म पांच साल का होता है एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो बेसिकली जब तक स्टेशन पर रहेंगे उस एरिया में रहेंगे तब तक वो बने रहते हैं ओके तो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन वो एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट होंगे और जो मीटिंग्स होंगी उसको प्रिसाइड करेंगे राइट द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो जो आई ईएस ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली उनकी बात यहां पे हो रही है इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज टू इंप्लीमेंट ऑल द रिजोल्यूशन एंड डिसीजन ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज ठीक है तो ये सेंट्रल कैडर से बिलोंग करते हैं इस परपज के लिए इनको बनाया जाता है ओके सो दिस इज कैंटोनमेंट बोर्ड राइट अब बात करते हैं टाउनशिप की तो भाई दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिश बाय लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस तो कोई बहुत ही बड़ी पीएस यू है ठीक है तो सिविक एमडीज आपको प्रोवाइड करनी है स्टाफ को वर्कर्स को ठीक है जो कि टाउनशिप में रहते हैं तो उसके लिए टाउनशिप ओके द एंटरप्राइज अपॉइंट्स अ टाउन एडमिनिस्ट्रेटर टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउनशिप ठीक है उसको अपॉइंट किया जाएगा एंड कुछ इंजीनियर्स स्टाफ वगैरह आपको मिलेगा बेसिकली पर्पज क्या है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको आपको सिविक एम्यटीज प्रोवाइड करनी है ओके okay? इसमें कोई भी इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हैं इस क्वेश्चन आ सकता है ओके एंड इट इज एक्सटेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज ओके तो काफी कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखनी होंगी अगला आता है पोर्ट ट्रस्ट तो भाई जो पोर्ट एरियाज है लाइक मुंबई चेन्नई तो वहां पे इनको इस्टेब्लिश किया जाता है बेसिकली पोर्ट्स को मैनेज करना प्रोटेक्ट करना वहां पे भी आपको सिविक एम्यूडीज प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए पोर्ट ट्रस्ट को स्टेब्लिश किया जाता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इनको क्रिएट किया गया है यह चीज इंपॉर्टेंट है इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर्स यहां पे होते हैं ओके okay? और जो सिविक फंक्शंस होंगे वो बेसिकली सिमिलर टू म्यूनिसिपैलिटी यहां पे होते हैं आगे बढ़ते हैं आखिरी है स्पेशल पर्पज एजेंसी तो भाई ये फंक्शन बेस्ड होते हैं नॉट एरिया बेस्ड ये इंपॉर्टेंट है अभी जो हमने देखा वो एरिया बेस्ड देखा बट दिस इज फंक्शन बेस्ड तो स्टेट्स हैव सेट अप सर्टेन एजेंसीज़ अंडरटेक डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज़ और स्पेसिफिक फ़ंक्शंस ठीक है जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डोमेन से बिलोंग करता है बट अलग से आपने बना दिया है तो फंक्शन बेस्ड हो गया दीज आर फंक्शन बेस्ड एंड नॉट एरिया बेस्ड ओके और इनको सिंगल पर्पज एजेंसी यूनिपर्पज एजेंसी कुछ भी कहा जा सकता है ओके तो स्टेब्लिश एज स्टेचुटरी बॉडीज बाय एक्ट ऑफ स्टेट असेंबली और एज डिपार्टमेंट बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन तो कोई नेसेसरी नहीं है कि आप स्टेचुटरी बॉडीज ही होंगी तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओके आई होप दिस इज क्लियर देखो दे आर नॉट सबोर्डिनेट एजेंसीज ऑफ लोकल म्युनिसिपल बॉडीज ठीक है तो फंक्शन आपका उनसे बिलोंग करता है बट यू आर नॉट सबोर्डिनेट एजेंसी ऑफ द लोकल म्यूनिसपैलिटी बॉडीज अब बात करते हैं कि वॉट आर द चैलेंजेस वही सेम चैलेंजेस हैं फंड्स नहीं है फंक्शंस नहीं है आपके पास पावर नहीं है आपके पास स्टाफ नहीं होगा तो वही सब इश्यूज यहां पे देखने को मिलेंगे कि पावर का इफेक्टिव डिवोल्यूशन नहीं किया गया है ओके जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं उसको आप सही से इंप्लीमेंट नहीं करते हो ठीक है टैक्स uh, कलेक्शन आपका काफी कम होता है देन बहुत सारी पैरेलल बॉडीज होंगी लाइक like हुडको वगैरा ठीक है तो ओवरलैपिंग यहां पे हो जाएगी देन आपके पास ऑटोनॉमी काफी कम होगी बिकॉज स्टेट कंट्रोल काफी ज्यादा होता है जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी कंट्रोल uh, करती है ओके देन लैक ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम इन प्लेस बिकॉज इनएफिशियट इमप्रॉपर फंक्शनिंग तो आप क्या काम कर रहे हो उसका प्रॉपर मोल्डिंग नहीं होता है इस वजह से जो फंक्शनिंग है वो इनएफिशियट इमप्रॉपर हो जाती है ओके तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं इन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ये जितना भी मैंने आपको बताया बेसिकली नाइन्टी नाइन परसेंट चीज़ें फैक्चुअल हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी देर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव तो बार बार रिवाइज करो तो क्वेश्चन आते हैं इसलिए बताना जरूरी है ओके okay? तो इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट एस आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सो ऑल द बेस्ट गुड बाय एंड जय हिंद